नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट रोहित छिंदवाड़ा। आज हम सीखने वाले हैं एंकरिंग। नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेख में हम एंकरिंग स्क्रिप्ट इन हिंदी फॉर कॉलेज फंक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आता है कि अपने स्कूल या फिर कॉलेज के फंक्शन के दिन क्या बोलना है, हिंदी एंकरिंग कार्यक्रम की शुरुआत कैसे करनी है। अगर आप भी अपने स्कूल या कॉलेज फंक्शन के लिए एंकरिंग स्क्रिप्ट खोज रहे हैं तो चिंता करने की बात नहीं है। आज मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ कि हिंदी में एंकरिंग कार्यक्रम की शुरुआत कैसे करनी है, जिससे आपका प्रभाव सब पर बहुत अच्छा पड़े। एक अच्छा एंकरिंग स्क्रिप्ट आपके पूरे कार्यक्रम में बहुत जरूरी होता है। आपके पूरे महफिल को अच्छा करने के लिए, दिलचस्प बनाने के लिए आपके पास एक अच्छा एंकरिंग स्क्रिप्ट होना चाहिए, नहीं तो पूरे फंक्शन का सत्यानाश हो सकता है। मैं आपको शुरुआत से लेकर क्या क्या बोलना है, कैसे कैसे बोलना है, ये सब बताऊंगा ताकि आप एक प्रभावी एंकर बने और आपकी तारीफ हर एक इंसान करे और आप अपने दमदार एंकरिंग से पूरे माहौल में एक समा बांध दे। चलिए फिर जानते हैं। सबसे पहले आप अपने एंट्री को लाजवाब रखेंगे, क्योंकि दोस्तों किसी भी फंक्शन या फिर पार्टी में एंकर का एंट्री बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। उससे ही सबको पता चलता है कि आज के फंक्शन में कितना मजा आने वाला है। इसलिए सबसे पहले आपको अपने कार्यक्रम में बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन छोड़ना पड़ेगा। अपने दर्शकों के सामने कुछ ऐसी लाइन या फिर कुछ ऐसी बातें बोलनी होंगी जिसके कारण दर्शकों का ध्यान आप पर पड़ जाए और उन्हें ऐसा महसूस हो कि आज के प्रोग्राम में बहुत मजा आने वाला है। आफ्टर एंट्री, जैसे ही आपकी एंट्री हो गई तब आपको कुछ इस अंदाज में अपने दर्शकों के सामने बोलना है, हेलो नमस्कार, कैसे हो मेरे भाइयों और उनकी बहनों। इसकी जगह आप अपने हिसाब से कुछ दिलचस्प बातें या फिर लाइन भी बोल सकते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट या फिर एंकर और स्वागत करता हूँ करती हूँ आप सभी को इस शानदार और झिलमिलाती सी शाम में, जिसे खास आपके स्कूल या कॉलेज का नाम मैं आप लोगों को रिझाने के लिए सजा है। तो एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाए, आप अपने स्कूल या कॉलेज का नाम लीजिए। उसमें एक बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जब आप एंकरिंग कर रहे होंगे आपकी एंट्री बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी एंट्री अच्छी नहीं होगी दर्शकों को स्नो शो देखने में कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी। इसलिए हमेशा अपने एंट्री को धासु बनाए और सभी दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित कीजिएगा। और जैसे ही आप अपने फंक्शन को शुरू करेंगे तब आप फॉर्मल एंकरिंग कर सकते हैं, ताकि उससे दर्शकों का ध्यान आप पर बना रहेगा, जिसमें आप शुरुआत में अच्छी अच्छी शायरी के साथ आपको आगे के एंकरिंग प्रोग्राम शुरू करनी चाहिए। जिंदगी की राहों पर मिलते हैं तो बहुत लोग, जिंदगी की राहों पर मिलते तो बहुत लोग, लेकिन आप जैसा हर किसी को नहीं मिलता। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जिंदगी में कुछ खास पल होते हैं और उन खास लम्हों में कुछ बहुत ही प्यारी प्यारी लम्हे बड़े यादगार होते हैं, और उन खास लोगों को यादगार और पेरिस बनाने के लिए कुछ खास तो सोते हैं, जैसे कि आप लोग। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मेरे सभी दोस्तों के लिए। दोस्तों आज के इस खास शाम में आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। इसे देखने के बाद आपके मुंह से तीन शब्द निकलेंगे, वाह वाह वाह। इसके बाद आप फंक्शन के जज के बारे में कुछ प्यारी बातें बोलेंगे, जैसे कि अबाउट जजेस, आज के प्रोग्राम में ऐसे जबरदस्त परफॉर्मेंस होने वाले हैं जिसे देखकर आप सभी को बहुत ही मजा आने वाला है, और आज के इतने सारे परफॉर्मेंस में कुछ बेस्ट परफॉर्मेंस को ढूंढना किसी चैलेंज से कम नहीं है। इसलिए आज के सामने बेस्ट परफॉर्मेंस ढूंढने के लिए हमने आमंत्रित किया है आप जज का नाम लेना, को जोरदार तालियों के साथ हमारे जज का स्वागत करें। परफॉर्मेंस इनविटेशन, फर्स्ट परफॉर्मेंस, जो ज्यादा वक्त ज्यादा न करते हुए आज की शाम को आगे बढ़ाते हैं और अपने सबसे पहले परफॉर्मेंस को बुलाते हैं। आंखें देखने में सबसे मस्त है, डांस इनका तो जबरदस्त है, स्टडी में भी है लाजवाब, हर काम में है फर्स्ट है। आप सभी की जोरदार तालियों की आवाज के साथ हम बुलाते हैं सबसे पहले कंटेंट को, फिर उसका नाम लेना, आफ्टर परफॉर्मेंस। क्या बात है, क्या बात है, इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस देखकर हमें तो एक शेर याद आ गया, अर्ज कीजिएगा कि
मन मचल के मोर होना चाहिए, मन मचल के मोर होना चाहिए, इस जबरदस्त शाम में थोड़ा शोर भी होना चाहिए। दिखाने को तो हम पूरी रात डांस दिखाएंगे आपको, दिखाने को तो हम पूरी रात डांस दिखाएंगे आपको, लेकिन आपके तालियों में भी थोड़ा जोर होना चाहिए। उसके बाद सेकंड परफॉर्मेंस, हमारे पहले परफॉर्मेंस को देखकर आज के इस शानदार शाम की शुरुआत हो चुकी है, और इसी दौर को आगे बढ़ाते हुए बुलाते हमारे अगले कंटेस्टेंट को। लेकिन इनको बुलाने से पहले एक शेर याद आ रहा है, ऐसा है कि इस जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद अब हमारे गर्ल्स की बारी है, लेकिन उनका डांस हम तभी दिखाएंगे जब बजे की तालियां ढेर सारी। तो आ रहे अपना टैलेंट दिखाने के लिए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करे और उसका नाम लेना। परफॉर्मेंस होने के बाद क्या बात है, क्या बात है, से लाउडी। वाकई इतना जबरदस्त डांस का परफॉर्मेंस देखने के बाद मेरे दिल में मुझसे कुछ कहा, वो क्या कहा है आइए जानते हैं। कि हम खुद से ही नाप लेते हैं ऊंचाई आसमां की, हम खुद से ही नाप लेते हैं ऊंचाई आसमां की, परिंदों को कभी भी तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की, महकना और महकाना काम है खुशबू का, महकना और महकाना काम है खुशबू का, लेकिन कभी भी खुशबू मोहताज नहीं होती कद्रदानों की। उसके बाद दोस्तों ऐसे ही करके आप अपने सारे परफॉर्मेंस को बुलाते जाएंगे और बीच बीच में चुटकुला शायरी आप गाते जाएंगे। आपको अंत तक अपने दर्शकों को रिझाना है, उनका मनोरंजन करना है, क्योंकि उन क्रीम जैसा चीज है जिसके आप लोग साथ कनेक्ट होते हैं। अगर आप लोगों के साथ जुड़ जाते हैं इसका मतलब है कि आपकी एंट्री बहुत ही लाजवाब की है, अगर आप नहीं सुन पाते हो तो कहीं ना कहीं थोड़ी कमी है। इसलिए पूरे कार्यक्रम के दौरान आप अपने ऑडियंस के साथ जुड़े रहिए, अगर हो सके तो आप होकर जाकर मस्ती कर सकते हैं, खेल सकते हैं, ताकि इसमें लोगों को एक मस्ती वाला माहौल बना रहे। अब सुनते हैं एनुअल फंक्शन के बारे में। किसी भी कॉलेज का एनुअल फंक्शन तब सक्सेसफुल होता है जब उसका टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट टीचर सभी मिलकर मैनेज करते हैं। तो आज के इस आर्टिकल में आपको कॉलेज के एनुअल फंक्शन एंकरिंग स्क्रिप्ट हिंदी में कैसी होनी चाहिए इसके बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं एंकरिंग स्क्रिप्ट ऑफ एनुअल फंक्शन इन हिंदी। द आउटलाइन ऑफ द एनुअल फंक्शन स्क्रिप्ट इन हिंदी। अगर हम बात करें एनुअल स्क्रिप्ट की तो सबसे पहले आपके सामने होनी चाहिए वेलकम लाइन, जहाँ पर अपने ऑडियंस को भी आपके व्यूअर्स के आपको इंट्रोड्यूस करते हुए अपने एनुअल फंक्शन के बारे में। उसके बाद होना चाहिए लैम्प लाइटिंग एंड वर्शिप सेरेमनी, जहाँ पर जो भी एक जो प्रार्थना होते हैं या फिर पूजा होती है। उसके बाद आपका स्वागत गीत होना चाहिए। उसके बाद चीफ गेस्ट वेलकम एंड एड्रेस करना चाहिए, चीफ गेस्ट को सम्मान देना चाहिए। उसके बाद प्रिंसिपल को आपको एड्रेस करना है। उसके बाद जो भी आपकी कल्चर एक्टिविटीज, डांस कॉम्पिटिशन, सिंगिंग कॉम्पिटिशन, ड्रामा फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन चलता है, उसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और आपको थैंक्स गिविंग करना। अब बात करते हैं फैंसी ड्रेस एंकरिंग के बारे में। ऊपर जो मैंने आपको उसके बताई, आप काफ़ी इवेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो कॉलेज इवेंट, स्कूल इवेंट हो या कोई और कोई कल्चरल इवेंट हो। आपको बस ऊपर दी गई स्क्रिप्ट को फॉलो करना है और अपने इवेंट के हिसाब से कुछ चीज़ें बदल देनी चाहिए, जैसे कि इंट्रोडक्शन पार्ट, परफॉर्मेंस पार्ट और बाकी चीज़ें भी आपको थोड़ा बदलाव कर सकते हो। ऊपर दी गई एंकरिंग स्क्रिप्ट को नीचे दिए गए अलग अलग इवेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। एंकरिंग के बारे में जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एंकरिंग की शुरुआत कैसे करें। तो एंकरिंग की शुरुआत जो है किसी भी कार्यक्रम में हल्की फुल्की शायरी, अतिथि शायरी, स्वागत शायरी, कार्यक्रम की शुरुआत, सरस्वती वंदना शायरी, ताली शायरी, फनी शायरी, मोटिवेशन शायरी, माँ बाप की शायरी से कर सकते हैं। उसके बाद में प्रोग्राम की शुरुआत कैसे करें, इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ जानकारी लेनी होगी उसे प्रोग्राम के बारे में, तभी आप कुछ कर पाएंगे। सबसे पहले तो आप एक लिस्ट बना ले कि वो कार्यक्रम कहाँ होने वाला है, कितने बजे होने वाला है। सभा को संबोधित कैसे करते हैं, भाषण की समाप्ति पर आप सबका धन्यवाद करता हूँ बोलने के बाद भाषण वक्ता अपने स्थान को ग्रहण करने के लिए चला जाता है, तो इस तरह आप अपने एक अच्छे भाषण की शुरुआत कर सकते हैं। आज के इस लेख में एंकरिंग स्क्रिप्ट इन हिंदी फॉर कॉलेज फंक्शन में मैंने वो सारे तरीके बता दिए
जिन तरीकों का आप इस्तेमाल करके अपने तरीकों को से बहुत ही अच्छा एंकरिंग कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा एंकरिंग करना एक कार्यक्रम को अच्छा बनाता है। अगर आप अच्छा है कि नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं लड़कों को बुरा लगता है। दर्शक चाहते हैं कि हम सभी को एंकर मनोरंजन करता रहे, जिससे कार्यक्रम का मजा दुगना हो जाए। हर रोज कार्यक्रम नहीं होता, इसलिए और लोगों के साथ जुड़ना पड़ता है। मैंने आपको जितनी भी बातें बताई है, जरूरी नहीं कि वो सब सही है। आप इसे देखकर बस एक सुनकर बस एक अंदाजा ले सकते हैं कि एंकरिंग की स्क्रिप्ट ऐसी होती है। इसके बाद इसमें बदलाव करके आप अपने हिसाब से कैसे और अच्छा बना सकते हैं, वो आपको देखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और मुझे सपोर्ट करने के लिए रोहित छिंदवाड़ा यूट्यूब चैनल को लाइक करिएगा। थैंक यू।